हे दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इन मैकेनिक्स। पार्टिकल इज़ डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो साइज बट हैज़ मास। मतलब ये एक आइडियलाइजेशन है जिसमें हम लोग एज्यूम करते हैं किसी बॉडी को, अगर हमारे पास कोई बॉडी दिया हुआ है कि जैसे कि ये बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग एक पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, इतना बड़ा बॉडी उसे हम लोग एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसका साइज़ को ज़ीरो कर देते हैं, लेकिन उसका मास जो है उस बॉडी को उतना ही रहने देते हैं। मतलब उसे हम लोग पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिए, इतना बड़ी जो बॉडी था और उसका साइज़ को ज़ीरो कर दिए, ठीक है। एक इतना बड़ा साइज जो है उसे हम लोग एज अ पॉइंट एज्यूम कर लिए और जो इसका जो मास था वही इसका रहेगा मास। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट मैकेनिक्स द वर्ड पार्टिकल मीन्स द बॉडी इज़ अ लार्ज एज शिप और एरोप्लेन। मतलब हम लोग जो पार्टिकल एज्यूम करते हैं मैकेनिक्स में, हम लोग बहुत से बहुत मतलब जितना बड़ा बॉडी हो सके उसे भी हम एज्यूम कर सकते हैं, बड़े से बड़े बॉडी को भी पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं, शिप को भी, एरोप्लेन को भी, इतने इतने बड़े बॉडी को हम लोग एक पॉइंट ठीक है पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नो मोशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब कि उस बॉडी का जो है उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर बॉडी है तो उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई मोशन नहीं, मतलब कोई रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जो पार्टिकल होता है उसके लिए रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। पार्टिकल बस एक पॉइंट है जिसका कोई वॉल्यूम है नहीं, तो उसको हम रोटेट ही नहीं करवा सकते, ठीक है। इसलिए पार्टिकल के लिए और रोटेशनल मोशन का कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कंस्टेंट है कि प्रोवाइडेड नो मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। जो बॉडी को हम लोग पार्टिकल एज्यूम कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि उसके जो उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंप्लीफाइड आइडियल मॉडल है, बस इतना ही है पार्टिकल का कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना और बहुत बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना के रखे, प्लीज़ वॉच दे मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।